दसवीं कक्षा के लिए प्रश्न निर्माण का सटीक बोध होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। जितने पाठ पढ़ाए गए हैं उन सब पाठों के अंतर्गत प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया अभ्यास में आई है। एक पदे न, पूर्ण वाक्य न इत्यादि विविध प्रकार के प्रश्न आए हैं और इस प्रश्न निर्माण प्रक्रिया का उससे संबंध होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसकी खोज करेंगे। अब देखिए प्रश्न निर्माण पर आज हम विभाग करके पुल्लिंग और शब्दों का और बहुवचन है ना, पुल्लिंग बहुवचन में करेंगे। अब पुल्लिंग बहुवचन में जो होगा उसमें इकारांत पुल्लिंग शब्दों को हमने चुना है। आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द प्राय देखा होगा, किया होगा। अब देखिए आता है प्रश्न की रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। तो रेखांकित पद हरेक वाक्य में दिया गया है, कवय काव्यानि रचयन्ति, तो प्रश्न इसका बनेगा रेखांकित है कवय के काव्यानि रचयन्ति, बच्चे लोग उत्तर देते हैं कवय। जब मैं कक्षा में प्रश्न पूछता हूँ इस पद्धति का तो बच्चों का उत्तर एकदम सटीक आता है, शुद्ध आता है, लेकिन वहीं जब बनाने का होता है अपनी ओर से तो नहीं बनता है, गलतियां होती हैं। कारण इसमें असावधानी है, दिमाग श्रद्धा नहीं रखना, और इसके प्रति यदि आप तत्पर रहेंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। तो कवय काव्यानि रचयन्ति तो के काव्यानि रचयन्ति, उत्तर होगा कवय, तो इससे आपस में रिप्लेस हुआ। सिंहा हरिन क्वेश्चन में दे दिया गया है अपि मारयन्ति, तो सिंहा हरिन हटाना है तो उसे अब हम क्या देंगे, कान, कान अपि मारयन्ति। कपि भी सह दर्शका आनंदिता भवन्ति, ये तृतीय बहुवचन है, तो कई सह दर्शका आनंदिता भवन्ति। मुनिभ्य वन प्रदेशे निवास रोचते, तो मुनिभ्य रिप्लेस करेंगे तो केभ्य वन प्रदेशे निवास रोचते। अब देखिए चतुर्थी पंचमी में संयोग से एक ही समान रूप होता है बहुवचन में, तो कपिभ्य कुकुरा न त्रस्यन्ति, कपियों से कुत्ते नहीं डरते हैं, तो केभ्य होगा। और पंचमी के बहुवचन एक वचन द्विवचन में भी कुत्ता हो जाएगा, लेकिन केभ्य पंचमी बहुवचन के लिए होगा। मणि नाम आभया कक्ष प्रकाशते, मणियों की आभा से कक्ष प्रकाशित होता है, तो मणि नाम को हटाएंगे तो केशा माभया कक्ष प्रकाशते। गिरीशु उन्नता वृक्षा शोभन्ते, तो गिरीशि को रिप्लेस करेंगे तो केशु उन्नता पर्वता शोभन्ते, वृक्षा शोभन्ते। तो केशु का एक सबस्यूट है कुत्र, तो कुत्र एक वचन में भी होगा, द्विवचन में भी होगा, बहुवचन में भी होगा, चूंकि अव्ययपद है। जैसे कुत्ता अव्ययपद है, पंचमी का एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों जगहों पर होगा। अब देखिए ये मुनि का आधार पर इकारांत पुल्लिंग के आधार पर बताया गया, इसी तरह अकारांत पुल्लिंग का भी होगा, तो बालका बालकान बालकई बालके व्य बालके व्य बालका नाम बालकेशु, यही लग जाएगा, के कान कई के व्य के व्य के शाम केशु। फिर उकारांत में आएगा तरु तरुण तरव तरुभि तरुभ्य तरुभ्य तरुणाम तरुषु, तो के कान कई के व्य के शाम केशु। हलंत में आएगा राजा राजान राजा राज्ञ राजभि राजभ्य राजभ्य राज्ञाम राजसु, यानी हलंतों का बहुवचन पुल्लिंग होना चाहिए, अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत का बहुवचन पुल्लिंग होना चाहिए, बहुवचन के लिए हो गया के कान कई के भ्य के शाम केशु। अब एक वचन में जब आएगा तो यही सब जब एक वचन में होगा तो ये क कम के न कस्मय कस्मात कस्य कस्मिन, इस पर आ जाएगा। जैसे कवि काव्यानि रचयति तो क काव्यानि रचयति, सिंहा हरिम मारयति तो सिंहा कम मारयति,
कपिना सह केन सह मुने वन प्रदेश रुचते, तो कस्मय वन प्रदेश रुचते, कपे कुकरा तो कस्मात कुकरा, मड़े आभया तो कस आभया, गिरौ पर्व वृक्षा तो कुत्र चाहे कस्मिन वृक्षा शोभन्ते। इस तरह एक वचन बहुवचन हो गया, द्विवचन आप संभालेंगे। अब देखिए रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण जो दिख रहा है तो मैंने बदल दिया, इकारांत का ही अभ्यास दिया है, अकारांत उकारांत का बता दिया है। अब निम्न पदों से वाक रचना करने का भी सीखेंगे। कीदृश कैसा पुलिंग में, कीदृशी कैसी स्त्रीलिंग में, कति कितने पुलिंग स्त्री नपुंसक सब में, कदा कब और किमर्थम किस लिए, ये सारे पदों से भी प्रश्नात्मक वाक प्रश्नवाचक वाक बनाएंगे और इन पर ध्यान रखेंगे। अगर कोई समस्या आ गई तो व्हाट्सएप ग्रुप पर रखिए, हमसे भी साक्षात मेरे दूरभाष पर पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।